नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज का ये वीडियो है यूपी 888 को लेकर बनाया जा रहा है, जिसमें मंडी परिषद जिसका एग्जाम है उसके बारे में हम बात करेंगे। सेफ स्कोर क्या हो सकता है, टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, पर सीट कितनी फाइट होने वाली है, तथा साथ में कितना क्वेश्चन हम कर दें तो हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। तो इस एग्जाम में बात करें, थोड़ा सा आपको ट्रिकी अब आजमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 200 क्वेश्चन आ रहा है तो 200 में आप 200-180 करके आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बात करेंगे कितने प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाना है, और कितने प्रश्न आप करके आए हैं एग्जाम में तो आपका सिलेक्शन हो जाना है, इसके बारे में बात करेंगे। आपसे चाहेंगे अगर जो आप यूपी 888 से जुड़े हुए एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो के। ठीक है, तो यूपी 888 बात करें, मंडी परिषद के एग्जाम करा रहा है, और जिसके बारे में बात करें, हम लोगों ने आगामी वीडियो के एग्जाम में देखा, साथ में यूपी 888 के बहुत से एग्जामों में देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर जो आप यहाँ पे मंडी परिषद के एग्जाम देने वाले हो। चलिए आते हैं, देखते हैं पीडीएफ पे क्या चीज़ें कैसे होने वाली हैं। तो सबसे पहले कोई भी वैकेंसी होती है उसमें टोटल वैकेंसी जानना जरूरी होता है। जिन लोगों को नहीं पता कितनी वैकेंसी है, वो लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उनको मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो वैकेंसी है टोटल 284 यानी कि 284 वैकेंसी सिर्फ निकल के आई हैं। वहीं अगर जो हम देखेंगे कंपेयर करेंगे टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो लगभग 625,547 फॉर्म फिलअप हुए हैं, कह सकते हैं 6 लाख। अगर जो हम सीधा आंकड़ा लेके ध्यान रखिएगा, 6 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, 284 वैकेंसी। अगर जो इस हिसाब से हम देखें पर सीट कितने कैंडिडेट कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, तो आंकड़ा निकल के आता है 2200, यानी कि एक सीट के लिए 2200 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए लगभग आपके 60-65% बच्चे एग्जाम देने वाले। कितने? 60-65%, यानी कि जो ये आंकड़ा है लगभग 4 लाख बच्चे यहाँ पे एग्जाम देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। टोटल वैकेंसी है 284। अब आप निकाल लीजिएगा कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। कैसे निकालते हैं? जितना यहाँ पे 4 लाख में 284 का भाग दीजिएगा तो आपका निकल कर जाएगा कितने स्टूडेंट पर सीट के लिए फाइट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, अगर जो आप स्टूडेंट हो कॉम्पिटिटर हो तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं कितने नहीं फाइट कर रहे हैं। आपके लिए मैटर ये करती है आप कितने प्रिपेयर हो किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो प्रिपेयर रहो, अवेयर रहो। ठीक है, इस एग्ज़ाम की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें यहाँ पर आपका सिलेक्शन दिला सकती हैं। एक तो होता है स्पीड, जिसकी स्पीड अच्छी होगी वो 100% सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरी एक और चीज़ होनी चाहिए जिसका स्पीड के साथ तो होना जरूरी है, स्पीड सही होने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी वो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। स्पीड प्लस एक्यूरेसी यहाँ पे सफलता का मंत्र है यहाँ पे मंडी परिषद एग्जाम के लिए। क्यों, इसका भी एक रीज़न आइए उसको भी देखते हैं। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले सिलेबस की। सिलेबस आपके 4 पोर्शन से यहाँ पे प्रश्न आने वाले, एक तो हिंदी से बात करें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 मार्क यहाँ से मिलेंगे। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आने वाले, यहाँ से भी 100 मार्क मिलेंगे। उसके बाद मैथ प्लस साइंस से बात करें 50 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क यहाँ से मिलेंगे। जीएस से 50 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 400 का पेपर होगा। और यहाँ पे एक और कुछ और चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए जानना, नेगेटिव मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल अदा करेगा, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 या 1/4 नहीं है, ये 1/2 रखा गया इस बार। कितना? 1/2। वीडियो की एग्जाम में भी 1/2 रखा गया था और इस एग्जाम में भी 1/2 रखा गया है, इसीलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए आपकी स्पीड के साथ साथ। अगर जो आप 2 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन जो आपका सही होगा वो भी आपका उसका मार्क चला जाएगा, इसलिए नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे ध्यान रखना है। आप आते हैं टोटल बात करें 200 क्वेश्चन हो जाते हैं ये 50-50-50-50, और टाइम की बात करता हूँ 120 मिनट में आपको टोटल 200 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे क्या कैसा फैक्टर होना चाहिए, कितने क्वेश्चन सही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 120 मिनट ही टाइम मिल रहा है लेकिन क्वेश्चन 200 मिल रहा है, कैसे होगा? होगा, आपको 200 क्वेश्चन नहीं करने, एक बात हमेशा ध्यान रखना, 200 क्वेश्चन नहीं करने। जो नहीं आता है, जिसमें फंसना आपको लगता है कि फंस जाओगे, नहीं आता 100% कन्फर्म वो नहीं आता, उस पर थोड़ा सा भी टाइम नहीं बर्बाद। यहाँ पे 0.5 सेकंड भी आपको बर्बाद नहीं करना, आपको आगे चले जाना। क्या करना? आगे चले जाना उस क्वेश्चन को छोड़ के, इसको ध्यान रखना। अभी देखो हम जैसे ही पेपर होते हैं उसके एग्जाम की पेपर के एनालिसिस लेके आने वाले हैं आप लोग, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं, क्या आपका
कितने क्वेश्चन आप करके यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे यहाँ पे सिलेक्शन मंत्रा देख लीजिए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए, इसको आप लिख लीजिए कहीं, और ये अगर जो आपका सही है तो आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। ये बात करते हैं, सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी ऐसा तो है नहीं आपने यूपीपी के लिए हिंदी पढ़ा, यूपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा, साथ में वीडियो के लिए हिंदी पढ़ा, बहुत सारे एग्जाम्स जिसके लिए आपने हिंदी पढ़ा, तो हिंदी आपकी इतनी अच्छी हो ही गई होगी। हिंदी में बच्चे 50 में 50 करके आ रहे हैं, 50 में 50, 50 में 48 करके आ रहे हैं, तो आपको हिंदी में अच्छा करने के लिए हम 48 कर रहे नहीं कर रहे हैं, आप करो 50 नहीं कर रहे, लेकिन आप 44 तो कर सकते हो। हिंदी कुछ ऐसा है नहीं कि पहाड़ है, और यहाँ पे बच्चे करके आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हिंदी में 44 कर रहे हो। नॉर्मल सा बच्चा जो हिंदी पढ़ के जाता है वो 35 से 40 करके आता है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो, आप ऐसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो जिसमें 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 284 वैकेंसी, इसलिए आपको हिंदी में 44 करना होगा। मुझे पता है आप अगर जो तैयारी अच्छे से मन से कर रहे होगे तो 44 प्लस करके आओगे, लेकिन हम 44 लेके चलते हैं। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग हमने वीडियो का पेपर देखा तो उसमें थोड़ा टफ लेवल का आएगा, इसीलिए मैं रीजनिंग में नहीं कहूँगा कि आप 45 क्वेश्चन करो, लेकिन करने वाले कर सकते हो, 45 नहीं कहूँगा मैं, बोलूँगा 35 से 40 आप करके आओगे, जो 35 आता है 40 तक नहीं पहुँच पाते तो 40 मत टच करो, लेकिन जो 35 करो वो एक्यूरेसी के साथ करो। एक बार ध्यान रखना, हिंदी में भी अगर जो 44 नहीं आता आपको 40 आता है तो ऐसा मत करना कि सर ने कहा 44 करना तो हम तुक्का मार के 44 तक पहुँचा दें, तो ये करोगे तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न होगी, बैरियर्स का काम करेगी, इसीलिए आप 40 आता तो 40 करो लेकिन एक्यूरेसी के साथ करो। और यहाँ पे हो गया रीजनिंग में 35 से 40 कर लो। मैथ और साइंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से भी, मैथ में तो अच्छा खासा कर ही कर सकते हो, साइंस में भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 35 कर रहा हूँ, ना 40 बोल रहा हूँ ना 45 बोल रहा हूँ, यहाँ पे 35 कर लो। जीएस की बात करें, जीएस में भी 50 में आप कम क्वेश्चन कर पाते हो, जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन छूटते हैं, तो जीएस में मान लिया आपने 30 क्वेश्चन किया, करंट अफेयर्स वेस पढ़ के गए थे, अच्छा खासा आपने किया, ठीक है 30 क्वेश्चन आपने सही किया। तो अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है, आपको 200 नहीं करने, मैंने बोला आपको 200 क्वेश्चन नहीं करने, अब देखिए इनको ऐड करेंगे तो आपको 144 निकल के आता है। और ध्यान रखना 144 में आप एक्यूरेसी के साथ करते हो, मान लो यहाँ पे हिंदी में आपने 40 किया और भी कई जगहों पे एक दो क्वेश्चन छूट गए, तो मान लीजिए आपने किया 135, तो इस हिसाब से आपके कितने हो जाते हैं, 270 नंबर हो जाते हैं। अगर जो आपने 144 किया 100% एक्यूरेसी के साथ तो यहाँ पे 288 मार्क हो जाते हैं। जो ए वाला एग्जाम है पहला वाला, इसको ये क्रैक करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि 400 का पेपर है तो हमको लगभग 250-350 तक पहुंचना है, ये सब गलत चीज़ें हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 200 क्वेश्चन आ रहा है 120 मिनट का टाइम है। और आप कोई भी पेपर दीजिए, कोई भी पेपर देखिए या फिर टेस्ट सीरीज देखिए, बड़े से बड़े अच्छा बच्चा, अच्छे से अच्छा बच्चा 120 मिनट में 130 से 140 क्वेश्चन कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसमें मैथ है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदी में आप जल्दी हिंदी में कोशिश करिए, हिंदी की जो 50 क्वेश्चन आ रही हैं उसको कोशिश करिए आप 20 मिनट में करने की, 20 से कम मिनट में करने की, क्योंकि हिंदी टाइम नहीं लगता, ठीक है। जीएस में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको कम कोशिश करिए 15 से 20 मिनट में करने की, जो टाइम बचेगा वो आपका मैथ और रीजनिंग लेगा, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखिएगा, कैसे आपको पेपर करना है इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 288 मार्क लाके यहाँ पे आपका जो ये वाला एग्जाम है जो चल रहा मंडी परिषद का, ये आप आसानी से यहाँ पे पास कर जाओगे, ठीक है। ये मत सोचना कि लगभग हमको 350 जाना है, ये जाना है, ये सारी चीज़ें अफवाह होती हैं, फैलाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। आप यहाँ से 144 क्वेश्चन करके आओ, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और ये देखो एक कुछ चीज़ें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल अदा करेगा, ठीक है बच्चे करके आएंगे, बच्चे एग्जाम दे के जैसे आप निकलोगे, कोई बच्चा आपसे बोलेगा हमने 160 किया, कोई बोलेगा हमने 170 किया, लेकिन सही कितने किया ये नहीं बोलेगा, सही बोलेगा सब किया, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा आप देखोगे वो बच्चा पीछे रहेगा, आपसे बोले नहीं बात तक नहीं करेगा, इसलिए ध्यान रखना 144 करके आओ, लेकिन एक्यूरेसी के साथ सही करके आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें थी बतानी थी, आपको भी पसंद आई होंगी, आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, कब से बोले जा रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना और अच्छे से एग्जाम देना, ठंडे मन से एग्जाम देना, ठीक है। और ये आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में मैं एग्जाम के बाद एक आध वीडियो बनाऊंगा, पेपर कैसा आया। पेपर 3 लेवल होते हैं, एक तो हल्का पेपर होता है, एक मॉडरेट होता है, एक हाई होता है, लेकिन पेपर आपका कठिन नहीं आएगा, आसान ही आएगा,
और मेरे हिसाब से जो सिलेक्शन का नंबर होगा 144 140 प्लस कह सकते हैं, जो क्वेश्चन करके आएगा 140 प्लस एक्यूरेसी के साथ जो करके आएगा, सही करके आएगा, ये मेरा है, ये आपका 100% सेलेक्ट हो जाएगा वो बच्चा, ठीक है। तो चलिए अभी इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।